तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सलाम अलैकुम। सॉरी बॉब, सुबह थोड़ी सी बदतमीजी हो गई थी ना, तो मैं सॉरी करने आया था आपसे। अच्छा, इस तरह से छुप कर? जी। नहीं नहीं मामा, वो मैंने से बिठाया था यहाँ पर। क्यों, तुम्हारे ऑफिस में बैठने की जगह कम पड़ गई थी जो तुम्हें टेबल के नीचे बिठाना पड़ा? नहीं, ये बेचारी डर गई थी आपसे, इसलिए मुझे शायद यहाँ छुपा दिया। जो चीज किसी डर की वजह से पेरेंट्स से छुपानी पड़े वो ज्यादातर गलत ही होती है। मैं बहुत माजरत खाऊं, मेरी बात सुने यार, करा दिया ना एक बार, फिर शर्मिंदा मुझे। वो मच्छू घर में बैंड बजाते रहते, यहाँ तुम बैंड बजाती हो, क्या जरूरत थी मुझे यहाँ छुपाने की? वो भाई जो होना था वो हो चुका है, तुम अब चच्ची को कॉल करो, परेशान हो रही होंगी। यार मैं सुनो, तुम क्लियर कर देना, मैं यहाँ किसी गलत नियत से नहीं छुपा हुआ था। मैं बेटी हूँ उनकी और वो बहुत ट्रस्ट करती हैं मुझ पर। जाओ चलो। ओके, डांट क्यों रही हो, जा रहा हूँ भाई। यार तुम मामा नहीं छोड़ेंगी। भाई साहब कुछ भी कहें, निकाह हो गया, अब ये बताएं कि आगे करना क्या है। करना क्या है, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने देने? ना जी ना, मेरे पास सिर्फ 7 दिन है, आर या पार। बहन जी जरा ब्रेक पर पांव रखिए, ये आपकी आर पार की कहानी हमारे दिमाग के भी आर पार हो रही है, दोनों बच्चे हैं अभी। और 2 बच्चे और हैं जो गैर शादीशुदा हैं, उनको भी तो देखना है ना हमें भाभी। अरे वो तो कई सालों से बैठे हैं। वैसे मैंने सुना है फुटबॉल की वजह से आपकी बच्ची का रिश्ता नहीं हो रहा। नहीं फुटबॉल नहीं, बास्केटबॉल खेलती है हमारी माला। एक ही बात है, वैसे ये खेल है कोई लड़कियों के खेलने वाला? खेल तो जो आपकी लड़की ने खेला है वो भी नहीं था खेलने वाला। चलिए होल्ड ऑन। भाई साहब कुछ भी कहें, मेरी फ्लाइट बुक हो चुकी है कनाडा के लिए, अगले 3 साल मैं पाकिस्तान नहीं आने वाली। भाई मेरे इमिग्रेशन का मामला है और हमारी रेपुटेशन का मामला है। बाऊजान। क्या बाऊजान से पूछ कर देखा, क्या था बाऊ? पूछा तो तुमने मेरी था दूसरी बार। अब ये दूसरी बार का क्या चक्कर है? आप उस चक्कर को रहने दीजिए और इस रुखसती के चक्कर पे ध्यान दें। मैं इसकी वालदा से बात करता हूँ और बताता हूँ आपको तारीख, लेकिन जो कुछ भी होगा वो सादगी से होगा। अंकल प्लीज, 10 मिलियन मेरे फॉलोअर्स हैं और 8 मिलियन हैश के, ये सारे मिलियन आएंगे शादी पे। लेकिन इससे ये तो पूछ ले कि ये हैश कौन है? कौन है? तू हैश है ना? अच्छा करता हूँ तेरा। ऐश कर ले, ऐश निकाल लो अपने दांत भर, वरना जबड़ा ना टूट जाएगा। बेवकूफ लड़की, तुमने उसे छुपाया क्यों? I swear सर, अच्छा हीरो वाली फील्स आ रही होंगी उस बेचारे को। यार मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, एक तो मामा के छापे मारने वाली है तो कभी नहीं जाएगी। वैसे अगर तुम गौर करो तो ये सारे कामयाब छापे एक ही बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। मुंह से ना कोई मनहूस बात मत निकालो। चलो नहीं करती, बोल दो, पेट में दर्द होता रहेगा वरना तुम्हारे, और तुम्हारे दिमाग में जो धमाके फटते रहेंगे कि आखिर बात क्या थी। अब तुम मुंह से फूटोगी या उंगली मार के निकालो तुम्हारे हलक से। वो बात ये है कि अब वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बिल गेट्स का तो दामाद बन सकता है, मगर डॉक्टर राजिया का नहीं। बताओ तुम्हें ये हॉस्पिटल है, कोई पिकनिक स्पॉट नहीं। सॉरी सर। तुम आज जल्दी घर चली जाना, गेस्ट आ रहे हैं। और डॉक्टर शबीर, बेड 3 के पेशेंट का कोई ना कोई डिसीजन लेना होगा हमें फौरन। जी जी जरूरी है ये। डॉक्टर, बेड 3 का पेशेंट कोलैप्स कर गया। ओह नो।